जय हिंद स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस गॉसेज लॉ इन मैग्नेटिज्म, देन क्यूरीज लॉ एंड देन क्यूरी वाइस लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस गॉसेज लॉ इन मैग्नेटिज्म. जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिज्म में यूनिपोल पॉसिबल नहीं है, सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है. तो उसका स्मॉलेस्ट सोर्स अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट सोर्स करंट कैरिंग लूप है या एक मैग्नेटिक डायपोल है जो एक एटम भी हो सकता है. ऐसा एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में हो, अनपेयर्ड हो, तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है. इस वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो क्लोज्ड कर्व्स होती है. तो जब हम ऐसे किसी भी क्लोज लूप की बात करें जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करें, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस क्लोज लूप एस डी एस, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड इज गिवन बाय डी फाइ बी इक्वल्स बी डी एस. देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज लूप फाइ बी equals surface integration of BDS. होगा कि नहीं होगा? हम जानते हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है. द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया. जो सरफेस हमें दिया गया है उससे नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही है उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. तो यहां पर हमने एस क्लोज लूप लिया है जिसका एक सेगमेंट डीएस है, तो डीएस से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, डी फाइव इक्वल टू बी डी एस. देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज लूप फाइव इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस, इज़न्ट इट. अकॉर्डिंग टू गॉस दिस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज लूप शुड बी जीरो. वाई? बिकॉज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व्स. इस वजह से द नंबर ऑफ लाइन्स दोज आर एंटरिंग दिस क्लोज लूप आर ऑल्सो एमिटिंग आउट फ्रॉम द सेम क्लोज लूप. जितनी एंटर कर रही है उतनी ही बाहर जा रही है. दिस इज कॉल्ड गॉसेज लॉ इन मैग्नेटिज्म. यही मैग्नेटिज्म में गॉसेज लॉ कहलाता है. ठीक है, जो क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी क्लोज लूप से एसोसिएट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है. नाउ वी विल डिस्कस क्यूरीज लॉ. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्यूरी फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट अपॉन टी, where B naught is magnetizing field and T is absolute temperature, or I equals C B naught upon T, where C is known as Curie's constant. Since B naught equals mu naught H, therefore I equals C mu naught H upon T, or I upon H equals C mu naught upon T, or xi m equals C mu naught upon T. This is called Curie's law, where C is Curie's constant and xi m, this is magnetic susceptibility of paramagnetic substance. Clear? This is magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility means how easily it acquires the magnetism whenever it is placed in magnetic field. Got it? Curie also studied effect of absolute temperature on susceptibility of the substances and found that magnetic susceptibility of diamagnetic substances does not depend on absolute temperature. But if we consider paramagnetic substance, then susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional to its absolute temperature. That is, xi m is inversely proportional to absolute temperature, or
xi m equals c upon t, where c is Curie's constant. This is for paramagnetic substances. If ferromagnetic substances are considered, then for ferromagnetic substances, the magnetic susceptibility is given by xi m equals c upon t minus tc, where tc is Curie's temperature. What is Curie's temperature? Curie's temperature is the temperature at which ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance. Constant temperature at TC, wo temperature hai jis par ferromagnetic substance paramagnetic substance mein convert ho jata hai. Jab usko thanda hone denge, jab wo thanda ho jayega to wapas se ferromagnetic substance mein convert ho jayega. To ye jo bracket mein yahan par humne likha hai, this is known as Curie-Voigt's law, and this is used for ferromagnetic substances. Clear? If we consider Curie temperature for iron, cobalt and nickel, then they are, for iron it is 1043 Kelvin, for cobalt it is 1394 Kelvin, and for nickel it is 631 Kelvin. तो ये वो टेम्परेचर है जिन पे ये सभी क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं. तो इनके सामने जो टेम्परेचर लिखा है, इस टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. इनको क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है इन सब्सटेंसेस के लिए. जब इनको ठंडा करेंगे तो ये वापस ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. गॉट इट?